मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून ने प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर लिया है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट देखी गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश के अनुमान की आशंका है। बारिश के चलते प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से कम दर्ज है। वहीं ग्वालियर क्षेत्र में भी मानसून की एंट्री हो गई है, जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। वहीं झमाझम बारिश होने से लोगों को राहत की सांस मिली है। तो लगभग सारे स्थानों पर दस्तक दे चुका है। प्रदेश के नॉर्थ एकदम एक्सट्रीम जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जहाँ सीधी सिंगरौली इस तरह इधर थोड़ा सा एरिया जो है उसका अभी बाकी है। बाकी पूरे प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। उसके कारण प्रदेश भर में रेनफॉल एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। कई जगह जो है हैवी रेनफॉल भी हुआ है, एक आध जगह वेरी हैवी रेनफॉल हुआ है। वेस्ट एमपी में जो है फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ है। ईस्ट एमपी में स्कैटर्ड रेनफॉल देखने को मिला है। वेरी हैवी बोले तो इंदौर के देपालपुर है, जहां 148.6 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। उसके बाद अगर छतरपुर का राजनगर है 112.4 मिलीमीटर, छिंदवाड़ा का बिछुआ 70.6, दमोह में पटेरा जो है 80.6, मुरैना में पोरसा 85.0, भिंड में गोरमी 70.0, आगरा में बरोड 65.0, ऐसा रेनफॉल काफ़ी जगह देखने को मिला है।